आज की सेशन में सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इंटरविलियन राउटिंग। काफ़ी अच्छा टॉपिक है। पर्सनल लेवल पे मुझे काफ़ी अच्छा लगा था जब मैंने फर्स्ट टाइम इंटरविलियन राउटिंग सीखा था, क्योंकि मुझे हमेशा से पता था कि इंटरविलियन राउटिंग में समथिंग कुछ न्यू है। दो डिफरेंट विलन्स को जोड़ने का काम किया जाता है, इस तरीके का मुझे उस टाइम कंसेप्ट पता था। लेकिन मुझे पता नहीं था किस तरीके से प्रैक्टिकल किया जाता है, उसमें क्या फीचर्स होते हैं। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इंटरविलियन राउटिंग किस तरीके से होता है और हम लोग उसको किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ बुक्स में उन्होंने मेंशन किया है राउटर ऑन स्टिक, ये वर्ड यूज़ किया है। तो दोनों सेम ही है, उसमें कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर देता हूँ इंटरविलियन राउटिंग। तो सबसे पहले अगर आप मेरी टोपोलॉजी देख सकते हैं, सेम एज मैंने इसमें ज़्यादा कुछ कॉन्फ्यूशन नहीं किया है। ये जो कॉन्फ्यूशन है ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। यहाँ पे विलियन का कॉन्फ्यूशन किया है मैंने, और इस दो यूज़र्स हैं जो कि HR ब्रांच के हैं। तो इनको भी मैंने विलन का कॉन्फ्रिशन कर चुका हूँ। विलन का कॉन्फ्रिशन मोस्टली मैं स्विचेस के ऊपर करता हूँ, जैसे कि आपको पता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे प्रीवियस वाले लेक्चर देख सकते हैं। अगर आपने देख चुके तो बेटर है कि आपको तो ये सब चीज़ें पता होगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड में यूज़र PC का IP एड्रेस कौन कौन से प्रोवाइड किए वो भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी IP एड्रेस प्रोवाइड किए जो कि HR डिपार्टमेंट के, और यहाँ पे जो दो यूज़र IP एड्रेस है वो IT ब्रांच के। ओके, सेकेंड थिंग, अभी मैं आपको स्विच के ऊपर जाके उसका पर्टिकुलर कॉन्फ्रिक्शन दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या किया है, और उसके बाद हम लोग डायरेक्टली जम करते हैं राउटर ऑन स्टिक के ऊपर इंटरविलियन राउटिंग। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, मैंने कुछ ज़्यादा कुछ भी कॉन्फ्रिक्शन नहीं किया, खाली विलियन का कॉन्फ्रिक्शन है और पोर्ट को असाइन किया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, दो विलियन क्रिएट किए, IT एंड HR। ओके, सो अभी यहाँ पे सबसे पहले मुझे एक बात बताना मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप इंटरविलियन राउटिंग करते हो सो डेफिनेटली आपको L3 डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी। सो L3 डिवाइस जो होता है वो होता है राउटर। सो अगर इंटरविलियन का कंसेप्ट कहीं पे भी आता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको एक राउटर डिवाइस का यूज़ होने ही वाला है। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक राउटर ड्रॉ करता हूँ। ओके, और इस स्विच को मैं इस पर्टिकुलर राउटर के साथ कनेक्ट करूँगा। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद एग्जैक्टली किस तरीके से वर्कआउट होगा, यहाँ से मेरा ट्रैफिक जाएगा स्विच के पास, स्विच के पास से जाएगा मेरा राउटर के पास। राउटर के ऊपर मैं इंटरफेसेस को कुछ मैनिपुलेशन करूँगा, कुछ कॉन्फ्रिशन करूँगा। कॉन्फ्रिशन के बाद ये मेरा ट्रैफिक VLAN 20 के पास जाएगा। हालांकि इंटरविलियन इसलिए करते हैं कि अभी यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मेरा VLAN 10 एंड 20 एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। उसका फर्स्ट रीज़न ये है कि दोनों डिफरेंट VLAN में, और सेकंड रीज़न ये है कि दोनों के दोनों डिफरेंट नेटवर्क में भी है। ठीक है, लेकिन अभी जो मेरी कंपनी है, जस्ट कंसिडर करते कि मेरी कंपनी का नाम है ABC। सो ABC कंपनी क्या बोलती है, कोर नेटवर्क ले लेते। कोर नेटवर्क कंपनी क्या बोलती है कि मुझे अभी VLAN 10 एंड 20 जो कि दोनों डिफरेंट है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग इंटरविलियन राउटिंग का कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरविलियन राउटिंग के लिए सबसे पहले मैं एक राउटर ले लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से कॉन्फ्रिक्शन होता है। तो मैं यहाँ पे जो राउटर यूज़ करने वाला हूँ वो है 2811। ओके, सो 2811, और इसको मैं कनेक्ट करता हूँ स्विच के साथ। F0/5 पोर्ट को कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ तक तो मैंने कर लिया। अभी यहाँ पे जब मैं इंटरविलियन राउटिंग वाला कंसेप्ट पढ़ रहा था तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग सीखने को मिला कि मुझे इसके पहले कभी पता नहीं था। हमारे क्लास में किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या सर हम लोग एक इंटरफेस को, मतलब लाइक जैसे कि मेरे पास एक इंटरफेस है F0/0, इस इंटरफेस को मैं दो IP एड्रेस असाइन कर सकता हूँ क्या, 2 IP एड्रेस असाइन। सो उस टाइम तो मुझे कुछ पता नहीं था, मैंने डेफिनेटली बोल दिया कि लाइक सर नहीं, इसमें तो 2 IP एड्रेस प्रोवाइड नहीं कर सकते। लेकिन इंटरविलियन करके एक ऐसा कंसेप्ट है जो आज हम लोग देखने वाले, उसमें एक इंटरफेस को हम लोग 2 IP एड्रेस असाइन कर सकते हैं। ठीक है, थीके? वो किस तरीके से करते हैं जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे एक फोकस करना है कि अगर मैं 192.168.1.0 वाला नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ, मतलब IT ब्रांच का, तो उसके लिए मुझे गेटवे भी असाइन करना पड़ेगा इन यूज़र PC को, क्योंकि यूज़र PC को तो बाहर जाने का रास्ता पता होना चाहिए। तो मैं एक गेटवे असाइन करूँगा। सेम कंसेप्ट मैं यूज़ करूँगा
एचआर डिपार्टमेंट के लिए। सो एचआर डिपार्टमेंट का आई नेटवर्क है 192.168.2.0। सो इनको भी बाहर जाने के लिए एक आईपी एड्रेस गेटवे में डिफाइन कर लूँगा। तो आईटी ब्रांच के लिए मैं जो आईपी एड्रेस गेटवे का आईपी एड्रेस उसे डिफाइन करूँगा 192.168.1.100, और इसके लिए यूज़ करता हूँ 192.168.2.100। मैं इजी आईपी एड्रेस इसलिए लेता हूँ क्योंकि मेरा ये मकसद है कि आप लोगों के सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी नेटवर्क का आईपी एड्रेस ले सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली मैं यहाँ पे गेटवे यूज़ करूँगा 192.168.1.100 फॉर दिस टू पीसी, यूज़र पीसी, और ये जो दो यूज़र पीसी है इसके लिए मैं गेटवे यूज़ करूँगा 192.168.2.100। ओके, थोड़ा हैंड राइटिंग ठीक नहीं है बट स्टिल यू हैव टू कंसिडर। तो सबसे पहले यूज़र पीसी पे जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे गेटवे दे देता हूँ 192. मैं आईपी एड्रेस ऑलरेडी असाइन कर चुका, आप देख सकते हैं। सेकंड यूज़र पीसी, उसको भी सेम गेटवे आएगा, देखो। ओके, यहाँ पे आएगा 2.100, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ 2.100, करेक्ट। एंड लास्ट वाला यूज़र पीसी, उसको भी आएगा 2.100, करेक्ट। यहाँ तक हो गया। अभी मैं करता हूँ इंटर वीलैन राउटिंग का कॉन्फ़िगरेशन ऑन राउटर के ऊपर। सबसे पहले मैं जा रहा हूँ राउटर को कर दूंगा, यहाँ पे आता है वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग। मैं यहाँ पे नो कर दिया क्योंकि मुझे कुछ भी प्रीवियस वाला कॉन्फ़िगरेशन नहीं चाहिए, मुझे फ्रेश कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने कर दिया कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं चेक करूँगा कौन से इंटरफेस को कनेक्टेड, थोड़ा सा इस तरीके से ले लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले मैं करूँगा इंटरफेस F0/0 को नो शट डाउन। ओके, अभी जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक सिंगल इंटरफेस को दो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने का काम करना है। सो अगर मैं F0/0 को ही एक आईपी एड्रेस असाइन करूँ, सो मैं उसी सेम इंटरफेस को अनदर आईपी एड्रेस असाइन नहीं कर सकता। सो इस सिचुएशन में क्या करने वाला हूँ मैं इस सिचुएशन में ये जो पर्टिकुलर इंटरफेस आपको दिख रहा है F0/0, इसको मैं टू इंटरफेस यानी कि सब इंटरफेस बोलते हैं उसको, सब इंटरफेस में डिवाइड करने का काम करने वाला हूँ। ओके, तो जानते हैं कि सब इंटरफेस किस तरीके से कॉन्फ़िगर किया जाता है। देखो कमांड लाइन, ध्यान से देखो, ये कमांड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी प्रोडक्शन लेवल में भी यूज़ होता है, तो आपको पता होना चाहिए। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, सबसे पहले मैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ दिखा देता हूँ। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ में आप देख सकते हैं मैंने ये पोर्ट को अप कर दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिवली अप कर दिया है मैंने। ओके, तो अभी मैं करता हूँ कॉन्फ़िगर इंटरफेस F0/0.10। मैं विलन 10 है इसलिए मैं .10 यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास अगर विलन कोई दूसरा है तो आप कोई भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे मैंने विलन 10 दिया तो यहाँ पे भी 10 दो। मैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी वे से इस तरीके से कॉन्फ़िगर करता हूँ। देखो यहाँ पे देख सकते हैं लॉक्स आ जाते, तो अभी आपको लॉक्स पढ़ना भी आ गया ऑलमोस्ट, तो आप समझ सकते हैं। उसके बाद इनकैप्सुलेशन, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल दूँ तो आपको बहुत सारी कमांड्स दिखेंगी, तो आपको पता चलेगा कि कमांड कौन कौन सी, आर बैंडविड्थ डिले, ईच एंड एवरी कमांड दिया है यहाँ पे, और उसके आगे में उस कमांड का एक स्मॉल एक्सप्लेनेशन भी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं इनकैप्सुलेशन यूज़ कर रहा हूँ, सेट इनकैप्सुलेशन टाइप फॉर द इंटरफेस, फॉर दिस पर्टिकुलर इंटरफेस मैं इनकैप्सुलेशन को सेट कर रहा हूँ इनकैप्सुलेशन। उसके क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूँ .1Q, .1Q इज आई ट्रिपल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर द वर्चुअल लैन, ठीक है, तो मैं वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उस पर्टिकुलर वीलैन आईडी हमें सेट करना है, तो मैं वीलैन 10 के लिए कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 10 मेंशन करूँगा। ओके, तो यहाँ तक का मेरा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो गेटवे हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया था, तो वो गेटवे था हमारा 192.168.1.100। इस गेटवे को मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगर किस तरीके से करूँगा, सेम एज नॉर्मल आईपी एड्रेस 192.168.1.100 25/25/25/24 दे रहा हूँ। नो शटडाउन देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी आपने F0/0 इंटरफेस को आप कर चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। देखो जब मैंने इस पर्टिकुलर इंटरफेस को
एक सब इंटरफेस के तौर पे कॉन्फ़िगर किया, तो मैंने एक नया वाला सब इंटरफेस क्रिएट किया इस तरीके से। अभी सेम मुझे नया इंटरफेस क्रिएट करना है, लाइक मैं यूज़ करूँगा F0/0.20, तो वो चेक करते किस तरीके से कॉन्फ़िगर होगा। ओके सेम, उसके बाद ये कमांड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर इस कमांड के पहले मैं आईपी एड्रेस असाइन करता हूँ तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ सकता है। देखो ये क्या बोल रहा है, कॉन्फिगरिंग आईपी राउटिंग ऑन लैन सब इंटरफेस इज ओनली अलाउड इफ दैट सब इंटरफेस इज ऑलरेडी कॉन्फिगर, ओके एज अ पार्ट ऑफ IEEE स्टैंडर्ड। ओके तो इसका मतलब है कि हमें एनकैप्सुलेशन मोड ऑन करना पड़ेगा यहाँ पे फॉर द सब इंटरफेस। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एनकैप्सुलेशन मोड ऑन करूँगा .1Q और VLAN 20, तो मैं 20 यूज़ करूँगा। अभी आईपी एड्रेस असाइन करता हूँ, ऊपर का एरो डाल के मैं आईपी एड्रेस असाइन कर सकता हूँ 2.100। नो शटडाउन देने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो ठीक है। मैंने एक सिंगल इंटरफेस को मल्टीपल सब इंटरफेस में कॉन्फ़िगर कर चुका, अगर मेरे पास मोर विलेंस है तो मैं मोर उसके ज़्यादा भी सब इंटरफेस क्रिएट कर सकता हूँ, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। सो अभी यहाँ तक का तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है, तो अभी मैं क्या ट्राई करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ जो यूज़र विलेन मेरे पास 10 है इसको पिंग करूँगा, यूज़र विलेन 10 का जो फर्स्ट यूज़र है उसको पिंग करूँगा यूज़र विलेन 20 के फर्स्ट यूज़र के साथ। इसका आई पी एड्रेस है 192.168.2.1 और इसका आई पी एड्रेस है 192.168.1.1। ओके तो मैं फर्स्ट यूज़र से जाके सेकंड डिपार्टमेंट के फर्स्ट यूज़र से पिंग करूँगा जिसका आई पी एड्रेस है 2.1, तो देखते हैं पिंग होता है कि नहीं होता है, मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, स्टिल मैं देख लेता एक बार पिंग 192.168.2.1। देखो पिंग नहीं हो रहा है, देखो अभी तक तो मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया लेकिन रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, मेरा पैकेट यहाँ से यहाँ तक नहीं जा रहा है, अभी तक मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, अभी तक मेरा इंटर विलैन प्रॉपर तरीके से रन नहीं हुआ है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे देखा कि मैंने राउटर को तो कॉन्फ़िगर किया, इस पर्टिकुलर इंटरफेस को F0/0 को मैंने कॉन्फ़िगर किया टू सब इंटरफेस क्रिएट करके, इसका मतलब मेरा राउटर तक का तो कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है, लेकिन मुझे ये जो इंटरफेस दिख रहा है जो कि स्विच के साथ कनेक्टेड है, इस पर्टिकुलर इंटरफेस को भी कॉन्फ़िगर करना चाहिए, अगर मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ तो मेरा इंटर विलेन कभी वर्क नहीं करेगा। मैं मोस्टली प्रैक्टिकल के टाइम ये काफ़ी गलतियाँ कर चुका हूँ, तो इसलिए मेरे दिमाग में एक फिट हो गया कि मुझे हमेशा F0/5 को कॉन्फ़िगर करना ही है। तो ये याद रखना, एक बोनस टिप के तौर पे आप लिख सकते हैं अपने नोटबुक में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ स्विच के ऊपर और इस पर्टिकुलर इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करूँगा, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने राउटर के ऊपर एनकैप्सुलेशन मोड ऑन किया IEEE स्टैंडर्ड, दैट्स मीन्स मुझे F0/5 के ऊपर ट्रंकिंग चलाना पड़ेगा, ठीक है, स्विच बोर्ड मोर ट्रंक, ठीक है। सेकंड कमांड स्विच बोर्ड ट्रंक अलाउड विलन ऑल, यहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट ले लेता है, अभी जैसे कि मैंने देख सकते हैं कि मैंने स्विच बोर्ड ट्रंक अलाउड विलन ऑल डाला है, लेकिन यहाँ पे नहीं आया वो कमांड बिकॉज वो ऑलरेडी ले लेता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो यहाँ पे अभी मैंने स्विच का इंटरफेस भी कॉन्फिगर कर चुका हूँ, ये वाला अभी अम्बर कलर में शो हो रहा है, कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिक ग्रीन कलर में आ जाएगा। सो यहाँ पे मेरा कॉन्फिगरेशन ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, तो अभी जैसे ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, हो गया अभी ग्रीन कलर में, तो अभी हम लोग फिर से चेक करते हैं फर्स्ट यूज़र पीसी से, फर्स्ट यूज़र पीसी से 2.1 मतलब HR डिपार्टमेंट के ये वाले यूज़र पीसी को पिंग करके, ठीक है, मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट का IP एड्रेस को पिंग करके। देखो सेम अभी होना चाहिए, अभी भी चलो ठीक है, अभी हो रहा है, इसका मतलब हमारा कॉन्फ़िगरेशन बराबर है, ठीक है। 2.2 को भी करके देख लेता हूँ, 2.2 को भी होगा, अगर 2.1 को हो रहा है तो 2.2 को भी होना ही चाहिए, ठीक है। अभी मैं सेम यहाँ से कर रहा हूँ, HR डिपार्टमेंट से IT डिपार्टमेंट के यूज़र को पिंग कर रहा हूँ, उसका आई पी एड्रेस से 192.168.1.1, तो यहाँ से मैं पिंग करके देखता हूँ, चलो यहाँ से भी हो रहा है, और सेकंड है उसको यहाँ से भी पिंग करके देखते हैं, इसको भी हो ही जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया हो, ओके काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
इंटर विलैन राउटिंग इजी सेशन है। इसके अंदर हमें फोकस करना है राउटर के ऊपर एंड स्विच के ऊपर। सो आज का सेशन मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। अगर अभी तक किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्द से जल्द मेरा चैनल सब्सक्राइब किए कर दीजिए। और मैं मोस्टली ट्राई करता हूँ कि एवरी वीक 2 या 3 वीडियोस तो डेफिनेटली अपलोड करूँगा। और प्रेस द बेल आइकॉन, वहाँ पे आपको एक बेल आइकॉन दिखेगा ताकि आपको मेरे डेली अपडेट्स मिलते जाएंगे। मेरे चैनल का नाम है कोर नेटवर्क ट्रेनिंग और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको यहाँ से, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए, आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक यू सो मच। मैं सेशन यहीं पे फिनिश करता हूँ और मिलते हैं अभी नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, गुड नाइट।